हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अज्जू भाई ब्लॉगर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद फिर हम अपनी एक नई वीडियो लेके आए हैं जो लॉन्ग वीडियो होने वाली है। बीच में कुछ कामों की और बिजनेस की वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, तो हम आए हैं आज लखनऊ के इको गार्डन पर। इधर से मान्यवर श्री काशीराम जी ग्रीन इको गार्डन, ये आपका पार्किंग एरिया है। ये देख सकते हैं गेट है, ये चौराहे पे बिल्कुल बना हुआ है। दाहिने हाथ पे पार्किंग एरिया, ये चलते हैं हम आगे पार्क की तरफ। ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं ये पार्क का गेट है। यहीं पे स्टॉल सारी लगती है, खाने पीने के सामान बाहर ही आपको मिल जाएंगे चौराहे पे। तो चलिए हम आगे आप दिखाते हैं क्या क्या अंदर चीज़ें हैं, टिकट क्या रेट है, सारी चीज़ें हम दिखाएँगे आपको, अंदर का पूरा जायज़ा आपको करवाएँगे। ये लोकेशन आपको हम बताते चलें, ये लोकेशन है आलमबाग रोड पर। ये आ चुके हैं अंदर की तरफ। ये दाहिने हाथ पे हम देख सकते हैं टिकट घर है, ये टिकट काउंटर है। यहाँ से हम टिकट लेंगे और चलेंगे फिर आगे की तरफ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले तो पार्किंग का है, उसके बाद हम आ चुके हैं टिकट काउंटर पे। ये देख सकते हैं एक आदमी का 20 रुपये। जब ये स्टार्टिंग हुई थी तब इसका रेट 10 रुपये हुआ करता था, आज के समय में 20 रुपये हो चुके हैं यहाँ का टिकट है। एक आदमी का 20 रुपये और हम दो लोग आए हैं यहाँ पर। देखिए टिकट घर, ये हमारे दोस्त हैं भाई, ये देखिए बॉबी देओल की कॉमेडी करते हुए आपने एनिमल मूवी तो देखी होगी, उसी की एक्टिंग कर रहे हैं भाई हमारे। ये टिकट हम लोग ने चेक करवा ली और अंदर हम चल रहे हैं। ये कॉरिडोर है यहाँ का, इसके बाद से पार्क शुरू हो जाता है। ये आप सामने देख सकते हैं पूरा एरिया जो है पार्क का है, अंदर है बना हुआ भी है, बाहर की तरफ भी हैं पानी का भी फुहारे वारे लगे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आर्टिफिशियल जो एनिमल्स बनाए गए हैं वो भी यहाँ पे हैं। वो सारी चीज़ हम चलिए दिखाएंगे आपको वीडियो में, बने रहें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कुछ भी पसंद आता है तो उसका कमेंट ज़रूर करें। या कुछ कहीं और क्या वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखें भाई धूप बहुत हो रही है, तो चिलचिलाती गर्मी का मौसम आ चुका है। धीमे धीमे जैसे जैसे वक्त बदलेगा गर्मियाँ बढ़ती चली जाएंगी। चलिए आगे शुरू करते हैं वीडियो। ये नज़ारा देख सकते हैं पूरा, कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। बहुत सारे लोग आते हैं सिर्फ टिकटॉक की, इंस्टाग्राम के रील्स बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, यहाँ तक कि शूटिंग्स भी होती हैं मूवीज़ की यहाँ पे। देख रहे हैं पूरा नज़ारा आपको हम चारों तरफ का घुमा के दिखा देते हैं। ये बहुत ही फेमस है जगह पे लखनऊ की। यहाँ पे आपने ये नज़ारा ज़रूर देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में आपने, टिकटॉक की हो इंस्टा की हो, जहाँ पे इस जगह का लोकेशन आपको दिखाया गया होगा पीछे जो दिखाया मैंने। ये है स्टेयर्स भाई सामने की तरफ चलने के लिए। यहाँ पे टिकटॉक वाले इंस्टाग्राम वाले बहुत सारे लोग आते रहते हैं घूमने के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए, शूटिंग करने के लिए। बहुत अच्छा है और खाली भी रहता है यहाँ पर। यहाँ पर दिन में अभी हम आ चुके हैं, दिन का वक्त है, ये 12 बज रहे हैं अभी से। भाई धूप बहुत तेज़ होने लगी है, और अपना ख्याल रखें भाई गर्मियों में। ये देखिए नज़ारा, हम ऊपर आ चुके हैं। ये है सेंटर पॉइंट है इस पूरे पार्क का, जो सेंटर पॉइंट है। यहाँ से 4 रास्ते गए हैं, देखा होगा हम लेफ्ट में, फिर एक इधर, ये राइट में दिख रहा है एक रास्ता, और एक रास्ता जिधर से हम आए हुए हैं। ये 4 सेंटर पॉइंट है। अब दूसरे पे हम चल के दिखाते हैं आपको आगे का एरिया। सेंटर पॉइंट है, आप वहाँ से निकलेंगे गेट से, गेट से सीधा चलेंगे, सीधा जाके आप सेंटर पॉइंट पहुँचेंगे। वहाँ से आप अगर नज़ारा करेंगे तो चारों तरफ का आपको दिखाई देगा नज़ारा कि चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं। फिर आप एक एक करके 4 रास्ते पर जाकर देख सकते हैं। ये देखिए कितनी हरियाली है यहाँ पर, देख सकते हैं भाई गर्मी का मौसम है इसलिए यहाँ पर लोग बहुत कम हैं इस वक्त में, और शाम का समय में यहाँ पर आपको बहुत भीड़ मिल सकती है। ये देखिए भाई साहब कह रहा बड़ा मस्त लग रहा है भाई यहाँ पे, बाकी जगह तो धूप ही धूप है, पत्थर की वजह से गर्मी यहाँ ज़्यादा होती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई आप लोग आएँ अगर घूमने तो शाम के समय में आए गर्मियों में, अगर ठंडी में आना चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त में आइए, बहुत ही अच्छा मौसम रहता है यहाँ पर। ये देख सकते हैं सारे आर्टिफिशियल एनिमल्स बनाए गए हैं यहाँ पर। ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं आपको शायद लगेगा ये ओरिजिनल पेड़ हैं, बट ये सब आर्टिफिशियल है, सब स्टील से बनाए गए हैं, स्टील से लोहे के इस्तेमाल किया गया है सारे। और ये पत्थर जो है ये ओरिजिनल हैं, बाकी सब जो आपको ये हिरन दिखाई दे रहा है, ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं खजूर के, सारे लोकल हैं भाई, बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल है सारी चीज़ें। आगे चल के हम आपको और भी दिखाते हैं ये कितने सारे यहाँ पे जानवर की बनाई गई हैं।
आपको देख के ऐसा लग रहा होगा जैसे ये ओरिजिनल है, पर लेकिन ओरिजिनल नहीं है, सब डुप्लीकेट है भाई, बनाए गए हुए हैं। सो गाइज आपको ये देख के कैसा लग रहा है? अगर आप लोग लखनऊ से नहीं है तो एक बार ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। ठंडियों में तो किसी भी वक्त आप आइए, आराम से घूम सकते हैं पूरा, बहुत अच्छा मौसम यहाँ पर रहता है। पर गर्मियों में ये जरूर ध्यान रखें कि दिन में ना आए, क्योंकि हालत आपकी ख़राब हो सकती है। ये देखिए खरगोश छोटे छोटे हैं, कितना प्यारा आर्किटेक्चर कर रखा है इन लोग ने। ये मगरमच्छ देख सकते हैं, क्रोकोडाइल। इसके उस पार जाना मना होता है, उस पार नहीं जा सकते, सिर्फ गार्ड वहाँ पर रहते हैं। ये देखिए दीवार है, इस दीवार के आगे जाना मना है, उसके आगे आप कूद के जा भी सकते हैं अगर गार्ड ने ना देखा तो। वैसे यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है हर वक्त। अरे वाह भाई, इतना बड़ा मुंह खोल के रखा है भाई, इसको भी पानी पिलाओ कोई। ये जू का आपको एक लुक मिल जाएगा, जैसे जू में आपको बहुत सारे जानवर मिलते हैं देखने के लिए, वो तो ओरिजिनल होते हैं पर ये डुप्लीकेट हैं, पर उसी तरह का माहौल कुछ मिलेगा आपको। ये लाइटों लगी हुई है, लाइटों का पूरा बंदोबस्त है यहाँ पे। ये शूटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह पर है, बहुत यहाँ पे भोजपुरी मूवीज़ की भी शूटिंग होती रहती है, सॉन्ग्स की शूटिंग होती रहती है। और आपने देखा होगा तो बहुत सारे रील्स में भी इस जगह का लोकेशन का शूटिंग रहता है। अगर आप नहीं आया तो एक बार ज़रूर विज़िट करें। ये मायावती के समय में बनाया गया था। चलिए आगे इसकी डिटेल हम बताते हैं, कब बना था, कैसे बना, किसने बनवाया, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताते हैं। सो गाइस आगे के चलिए बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम। ये लखनऊ का इको गार्डन जो है 112 एकड़ में फैला हुआ है, और इस गार्डन से ज़्यादा फाउंटेन है, और 25 वैरायटी के अलग अलग पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। और साथ ही साथ जो अभी आप देख रहे हैं, लगभग 500 से ज़्यादा जानवरों की मूर्ति ये लगाई गई हैं, ये आर्टिफिशियल है सारे। लगभग 500 तरह के जानवर और पक्षी सारे मिल जाएंगे आपको, जल में रहने वाले हों, पेड़ पे रहने वाले पक्षी हों, या हर तरह के वैरायटी के बहुत सारे जानवर हैं। और यहाँ टिकट के बारे में मैंने बता ही दिया कि यहाँ 20 रुपये है, पहले 10 हुआ करता था, फिर 15, आज के वक्त में 20 है। ये 2024 की बात हम बता रहे हैं, इसके बाद हो सकता है और भी बढ़ जाए ये रेट। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में आलमबाग और कैंट क्षेत्र के बीच में ये पूरा एरिया खूबसूरत बसा हुआ है। इस पार्क में घूमने के लिए ना सिर्फ लखनऊ के लोग उत्साहित रहते हैं, बल्कि बाहर आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र है। इस पार्क का नाम गार्डन है, जबकि इस पार्क सन 2011 में उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री जो थी मायावती जी का था। इस पूरे पार्क को करीब 130 करोड़ रुपये की लागत में बनवाया गया था। इस पार्क में काफ़ी हरियाली है। इस पार्क में सारे जानवर अभी मैंने आपको दिखाए होंगे, जैसे कि शेर, चिंपैंजी, जिराफ, बंदर, घड़ियाल, मगरमच्छ, गिद्ध, मोर और हाथी। करीब 500 के आसपास यहाँ पे जानवरों की जिन मूर्तियाँ बनी हुई हैं, आपको देख के ऐसा लगेगा जैसे कि ये सारे रियल, पर ऐसा नहीं। ये देख सकते गोरिल्ला, गोरिल्ला ये देखिए भाई। जैसा लग रहा है कि बिल्कुल रियल सारी चीज़ें। वैसे यहाँ पे आप आसपास के हैं तो मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, जो आसपास के रहने वाले हैं, टहलने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। और इस मेरे हिसाब से तो शाम का बहुत अच्छा वक्त है यहाँ पे घूमने के लिए। और ख़ास बात तो ये है कि अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो बाहर से लेके आएँ, या तो फिर बाहर ही किया करें, क्योंकि अंदर किसी भी तरह की कैंटीन या खाने पीने की सुविधा नहीं है, ताकि ये किसी तरह का गंदगी फैले यहाँ पर। ये साफ़ सफाई के हिसाब नज़रिए से शायद रखा गया होगा। और पास में ही आपने देखा चौराहे पर मैंने दिखाया था आपको, और सबको मिल जाएंगे, आप आराम से वहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं, पानी का इंतज़ाम भी है। बाकी अंदर आपको खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था बहुत बड़ी है, पार्किंग एरिया बहुत है, आप कार बाइक लें किसी आए आराम से पार्क, कोई दिक्कत, पार्किंग आराम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इको गार्डन लखनऊ की सबसे शहर की सबसे बड़ी पार्किंग है। और ये यहाँ पे पुलिस की जो भर्तियाँ थी उसके लिए धरना प्रदर्शन भी यहीं चल रहा था। इको गार्डन जो पार्किंग एरिया है
पार्किंग एरिया धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। और ये देख सकते हैं आप अंदर का हिस्सा है, ये बहुत ही हरियाली है यहाँ पे भाई लोग। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल सके बेल आइकन जरूर दबा दें। और कुछ भी और नई जगह का आप जानना चाहते हैं या वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, आने वाली वीडियो वहीं की कोशिश करें। सो गाइस सपोर्ट करें। ये देख सकते हैं इस तरह का पेड़ है, यहाँ वैरायटीज़ की तो है, बहुत सारे वैरायटीज़ के पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं अंदर का ही पार्क, पूरी हरियाली है। ये आप बताइए अगर आप जानते हैं इस पेड़ के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करें, ये कौन सा पेड़ है। ये सारे इसके ऊपर जो आप जाल देख रहे हैं इसके ऊपर भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, जिस वजह से यह पूरा अंदर का हिस्सा जो ठंडा रहे गर्मियों में भी। ये देख रहे हैं अब जालियाँ पूरी ऊपर से लगी हुई हैं। और यहाँ पे ख़ास चीज़ ये है कि अगर आप बरसात होती है तो आपको छुपने के लिए कोई जगह मिलने वाली नहीं है, सिर्फ जहाँ एंट्री पॉइंट है वहीं पे मिलेगा आपको, बाकी कहीं भी आप छुप नहीं सकते हैं बरसात में, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पर ये देख सकते हैं पत्थर पूरे लगाए गए हैं अंदर, इस तरह से लगाए गए हैं ताकि एक दूसरे पर इस तरह से लगाए हैं इन लोग ने। देखिए भाई ऊपर नीचे है बहुत सारा, ये आप गिर भी सकते हैं संभल के चले इस पर। ये देखिए आपने इस जगह को ज़रूर देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, रील्स में देखा होगा, हो सकता है आपने किसी मूवी के शूटिंग में भी ये लोकेशन देखी हो। ये लोकेशन इको ही गार्डन की है, देख सकते हैं आप। अगर आपने ज़रूर इस लोकेशन को देखी है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि किस मूवी में देखा है इस लोकेशन को, किस रील में देखा है, या आप आए हैं आपने रील बनाई हो तो भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं यहाँ पर। ये देखें पूरा चारों तरफ का एरिया घुमा देते हैं इसको एक बार कैमरा, ये सकते हैं अभी इसी के जो पार्क था इसी के अंदर से मैं निकल के आया हूँ अभी और बाहर की तरफ आ चुके हैं हम लोग। और हाथी पार्क भी यहाँ पे है लखनऊ में, और आपने अंबेडकर तो बहुत बार देखा होगा, अंबेडकर पार्क की बहुत सारी मूवीज़ में भी वहाँ शूटिंग देखी होगी उसको, और इसका कुछ कुछ लोकेशन एक जैसी लगती है, पर लेकिन दोनों पार्क अलग हैं, दोनों अलग लोकेशन पर हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दें इसके बगल में एक और पार्क है काशीराम के नाम से, ये देख सकते हैं। और उस वक्त में जब मायावती की सरकार थी उस वक्त में उन्होंने बहुत सारे काशीराम के नाम से पार्क बनवाया था, इको गार्डन बनवाया, अंबेडकर पार्क बनवाया, ना जाने कितने पार्कों के निर्माण उन्होंने करवाया था। ये पूरा एरिया जो था पहले आलमबाग, एक तरह से बहुत कम ही लोग जानते थे, बहुत कम ही जगह थी यहाँ पे घूमने लायक, और इनकी सरकार के बाद से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं जो घूमने के लिए हैं, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस की तरह इस्तेमाल किया गया, जो फेमस भी हुआ। ये देख सकते हैं जिराफ हैं पूरे, दो जिराफ की यहाँ पर बनाई गई है मूर्ति। ये सब स्टील का और लोहे का इस्तेमाल किया गया है, मोस्टली मेरे हिसाब से तो लोहा है और ना जाने किस किस मेटल का इस्तेमाल किया गया होगा, पर ये सारी आर्टिफिशियल्स हैं, देखने में बिल्कुल रियल जैसा लगता है माहौल पूरा। सो गाइज आपको वीडियोस कैसी लगी और यहाँ के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, यहाँ पे आपको क्या सबसे अच्छा लगा। तो चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और अगर किसी लखनऊ की नई किसी लोकेशन की वीडियो आप चाहते हैं तो उस जगह की वीडियो बना देंगे हम, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो चलते हैं। चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।